तो हेलो गली गेमर्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है गली गेमर्स की एक नई वीडियो में। तो भाई लोग, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल को होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अपकमिंग अपडेट्स के बारे में, जैसे कि हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल किस पे होने वाला है, और हमारा जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है वो किस थीम पर होने वाला है, और इसमें हमें कौन कौन सी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, और भी बहुत सारी अपडेट के बारे में बात करने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो भाई लोग, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बहुत ही बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि भाई लोग, आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, और भाई आज मेरे 100+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं सिर्फ आप लोग की वजह से। तो भाई लोग, आज मैं आप लोग को बहुत ही बड़ा शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन भाई लोग मुझे अपने ऊपर खुद इतना बुरा लगता है कि मैं आप लोग को डेली वीडियो बना के नहीं दे पा रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है मेरे लिए, लेकिन भाई लोग, आप लोग यकीन करो, मैं आप लोग को बहुत ही बेहतरीन कॉन्टेंट लाऊँगा। भाई आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बस आप चैनल के साथ बने रहो भाई, बहुत ही मज़े करेंगे साथ में मिल के। तो भाई लोग, आज की वीडियो शुरू करें। सो भाई लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हमारे नेक्स्ट इवेंट के बारे में। तो भाई लोग, हमारा जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है वो होने वाला है बोया की थीम पे। मतलब भाई, ये बोया की थीम पे आने वाले, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो हमारी जो AWM की स्किन होने वाली है, वो देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है वाली स्किन। और साथ ही साथ बात करें हमारे पैन की, तो आप लोग जो पैन की स्किन आने वाली है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है भाई, मस्त एकदम गोल्डन कलर में हो रखी है, गोल्डन और ब्लैक का टेक्सचर सा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोग देख सकते हो ये जो ग्लू वॉल हमें देखने को मिलने वाली है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और काफ़ी दूर से बंदों को दिख जाएगा, और भाई काफ़ी सही लग रहा है। और भाई पैरासूट, आप लोग पैरासूट को भी देख सकते हो भाई, पैरासूट भी इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है मस्त तरीके से। और भाई लूट बॉक्स जो होने वाला हमारा, वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल पर होने वाला है। आप लोग देख सकते हो जो हमारा लूट बॉक्स होने वाला है वो एकदम एयर ड्रॉप स्टाइल में होने वाला है। आप लोग इसमें देख सकते हो बोया भी लिखा हुआ है ऊपर। और साथ ही साथ बात करें हमारे कटाना के बारे में, आप लोग देख सकते हो कटाना की स्किन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, शायद से लेजेंडरी होगी, आप इसको लॉबी में लेके जा पाओगे। लेकिन भाई इसमें एक चीज़ थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है, अगर इसमें एनिमेशन होता ना थोड़ा सा, तो भाई क्या ही स्किन लगती है, एकदम नेक्स्ट लेवल की हो जाती एक स्किन। सो भाई लोग, आप लोग आगे बात करें तो हमारे जो प्लाज्मा गन की भी स्किन आप लोग को इसी इवेंट के दौरान देखने को मिलनेगी। सो आप लोग देख सकते हो ये होने वाले हमारे प्लाज्मा की स्किन, जो कि भाई काफ़ी सही लग रही है। ये पहली स्किन होने वाली है प्लाज्मा की, अभी तक कोई भी प्लाज्मा गन की स्किन नहीं आई है। सो भाई लोग, अब बात करते हैं हमारे मनी हीस्ट इवेंट का। तो आप लोग देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और अभी भी बहुत कुछ से आना बाकी है। सो भाई लोग, आप लोग देख सकते हो ग्लू वॉल की स्किन हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली इसी इवेंट के दौरान ही आ जाएगी, जो कि किसी टॉप अप इवेंट में या फिर किसी टोकन एक्सचेंज में आएगी। आप इस टोकन्स को किसी क्रिएट को खोल करके आप ले सकते हो भाई, इसे तो फ्री में नहीं होने वाला है आपको पक्का, डेफिनेटली, मतलब कि आपको डायमंड देने ही पड़ेंगे। और भाई बात करूँ इस ग्लू वॉल की स्किन के बारे में, तो भाई लोग ये ग्लू वॉल की स्किन मुझे काफ़ी, मतलब क्या बोलूँ इसके बारे में, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, ठीक ही है, लेकिन भाई इसके लिए अगर डायमंड देना पड़े तो भाई बेकार है मेरे लिए तो। लेकिन भाई जिनको कलेक्शन करने का शौक है भाई, इसको लेके कलेक्शन कर सकते हैं अपने में। भाई हमारे पास तो पैसे नहीं होते, तो हम लोग क्या लेंगे भाई, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको नहीं लेने वाले। लेकिन भाई इसकी बहुत ही ज़्यादा OP ग्लू वॉल की स्किन देखने को मिलने वाली, आप उसे ले सकते हो। अगर आपके पास डायमंड हो तो आप पक्का उस पर खर्च करो। तो आप लोग देख सकते हो ये भाई बहुत ही जल्द हमें टॉप अप इवेंट में देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और आप ये भी देख सकते हो, ये भी बहुत ही कमाल की स्किन होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा OP। आप अगर लेना ही चाहते हो तो इन सबको ले लेना, ये किसी टॉप अप इवेंट में आएगी तो आप वहाँ से जाके आराम से ले सकते हो। सो भाई लोग, आप बात कर लेते हैं हमारे बंडल्स के बारे में, मतलब जो हमारे कपड़े आते हैं पहनने वाले। तो भाई लोग, आप लोग देख सकते हो ये होने वाला हमारा नया बंडल, जो कि किसी इवेंट में देखने को मिल जाएगा हम लोग को, प्रिंस ऑफ पर्सिया के स्टाइल में। भाई प्रिंस ऑफ पर्सिया का ही बंडल है ये, आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी सही है। अगर फ्री में दे देता तो भाई मज़ा आ जाता इसको लेने में। आप लोग देख सकते हो इसका बाल कुछ ऐसा दिखने वाला है, और काफ़ी ओवरऑल अच्छा है। जो आप प्रिंस ऑफ पर्सिया के फ़ैन है भाई, उनके लिए तो भाई ये अच्छा होने वाला है, आप इसको लेकर के मस्त तरीके से दिखा सकते हो। और बात करें हमारा जो नेक्स्ट गोल्ड रॉयल आने वाला है उसके बारे में, तो भाई लोग जो हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल आने वाला है, तो आप लोग देख सकते हो वह एक क्रिकेट बैट्समैन की कॉस्ट्यूम होने वाली है। तो आप लोग देख सकते हो ये हमें
बहुत ही जल्द नेक्स्ट डे में ही शायद से देखने को मिल जाएगा गोल्ड रॉयल में। तो भाई लोग क्रिकेटर वाला लुक है, मस्त तरीके से अच्छा लग रहा है, काफ़ी सही है, इसको लेके खेलने में मज़ा आएगा। सो भाई लोग आगे बढ़ते हो, अगर बात करें हमारे मैजिक क्यूब में क्या अपडेट में क्या उसी बंडल देखने को मिलने वाला है, तो आप लोग देख सकते हो ये हमें मैजिक क्यूब के अपडेटेड बंडल में से ऐड कर दिया जाए शायद से कि हमें ये मैजिक क्यूब में देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्द। और भाई अगले बात करें तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे जो कार होती है, मतलब कार क्या, मतलब पीछे ट्रॉली सी होती है, मुझे इसका नाम नहीं पता, इसे छोटा हाथी बोल सकते हो भाई, इसकी जो स्किन आने वाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोल सकता, मतलब ठीक ही है, आप इसको अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मुझे पता है मोस्ट ऑफ पीपल इसको नहीं लेंगे क्योंकि भाई कोई मतलब नहीं होता, गाड़ी से कोई टहलता भी नहीं। और भाई अगर ये डायमंड ज़्यादा खर्च कराने वाली होगी तो भाई इसको मुश्किल है कोई ले, लेकिन ये बहुत ही जल्द आपको टॉप इवेंट में देखने को मिल सकती है। सो भाई लोग आज के लिए बस इतना है, अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Caught in the crossfire.